स्टूडेंट डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर, हियर इज सेकेंड चैप्टर एडाप्टेशन इन प्लांट फॉर यू. नाउ आई विल एक्सप्लेन एंड यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लेसन कम्प्लीटली. एडाप्टेशन इन प्लांट, एडाप्टेशन मीन्स होता है अनुकूलन, मीन्स एडजस्ट अकॉर्डिंग टू नेचर, एडजस्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और according to climate, temperature, etc. So, when we look around us, we see many types of plants, which are of different size and shape. जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के plants देखते हैं जो अलग अलग size और shape में रहते हैं. Plants grow in plains, hills, desert, even in water. Plants जो है plains में भी उगते हैं, hills में भी, desert में भी, और प्राय जो है वाटर में भी उगते हैं. सिंस द टेम्परेचर सॉयल रेनफॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यद्यपि जो टेम्परेचर होता है मिट्टी और रेनफॉल वेरी मीन्स अलग अलग, विभिन्न अलग अलग होता है स्थान स्थान पर. द प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट एरिया. प्लांट्स के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएँ होती है. प्लांट एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग बाई मेकिंग ए फ्यू चेंजेस इन देमसेल्फ. प्लांट जो है अपने आप को, जो उनके चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए अपने आप में कुछ चेंज करती हैं. द नेचुरल प्रोसेस बाई विच प्लांट एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन. मीन्स दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस. एडाप्टेशन मीन्स वेन प्लांट एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन. प्लांट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट. प्लांट को अगर हम दो बड़े कैटेगरी में डिवाइड करें तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मीन्स सच प्लांट विच ग्रो ऑन लैंड, एंड एक्वेटिक प्लांट मीन्स सच प्लांट विच ग्रो ऑन वाटर. तो यहाँ पर हम पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर एडाप्टेशन टू. द प्लांट दैट ग्रो ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दीज प्लांट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू सेवरल कैटेगरीज. प्लांट्स इन प्लेन्स, पहले यहाँ पे देखेंगे कि प्लेन्स जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे कैसे प्लांट्स होते हैं. दीज प्लांट ग्रो इन प्लेन्स, दे हैव सॉलिड ट्रंक्स एंड डेंस ब्रांचेस. उनके पास एकदम सॉलिड ट्रंक्स होते हैं, घने ब्रांचेस होते हैं. दे कैन टोलरेट हीट, वह हीट को सहन कर सकते हैं. बट सेट देयर लिप्स इन विंटर, लेकिन विंटर में अपने लिप्स को गिरा देते हैं. एंड सीसम पीपल नीम बनियान मैंगो ईटीसी आर द प्लांट दैट ग्रो इन प्लेन. एंड माउंटेनियस प्लांट्स, द क्लाइमेट इन द हिल्स कोल्ड, द प्लांट ग्रोइंग इन द हिल हैव पेंटेड पॉइंटेड. और जो प्लांट्स के जो में जो हिल एरिया में जो पौधे उगने वाले पौधे हैं वह पॉइंटेड होते हैं और स्मूथ एंड नीडल लाइक लीव्स होती है, एकदम सुई की तरह उनकी पत्तियां होती हैं. दे हैव ए कॉनिकल शेप, कोन की तरह उनका शेप होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉनिकल शेप, ये यहाँ पे देखो ये कोन की तरह इनके शेप्स हैं. नॉट एक्युमुलेट ऑन देम, जिससे कि इस पर बर्फ जो है एक्युमुलेट नो हो, कलेक्ट नो हो. एंड दे हैव थिक एंड स्ट्रेट ट्रंक, उनके पास थिक और स्ट्रेट ट्रंक होता है, सीधा ट्रंक. एंड देवदार पाइन ईटीसी आर द माउंटेनियस प्लांट. नाउ वी शैल नो एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. डेजर्ट हैव वेरी फ्यू प्लांट्स. डेजर्ट्स में जैसा आप जानते हैं देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, सो देयर डेजर्ट्स हैव वेरी फ्यू प्लांट्स. सिंस डेजर्ट हैव लिटिल वाटर, यद्यपि क्योंकि जो है कि वहाँ पे बहुत थोड़ा पानी होता है. ओनली दोज प्लांट दैट कैन सर्वाइव ऑन द लिटिल वाटर, वहाँ पे केवल वही प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं जो कि बहुत कम वाटर यूज करते हैं. ग्रो ही देयर, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट ग्रो वेरी डीप इन द अर्थ. और ये डेजर्ट के जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत धरती में बहुत नीचे तक जाती हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में. सो दैट दे कुड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द डेप्थ, जिससे वो वाटर डेप्थ गहराई से वाटर ऑब्जर्व कर सकें. दिस प्लांट आइदर डू नॉट हैव लीव्स एट ऑल, इनके पास पत्तियाँ किसी भी तरह से नहीं होती हैं.
हैव वेरी स्मॉल लीव्स, बहुत छोटी पत्तियाँ होती हैं। दे हैव थिक एंड ग्रीन ट्रंक, दे हैव वैक्स लाइक सरफेस, उनका जो सरफेस होता है एकदम मून की तरह होता है। विथ रिड्यूस एवापोरेशन, जो एवापोरेशन को कम करता है, नहीं तो एवापोरेशन अगर पत्तियाँ इसके स्टेम से होगा तो वाटर इससे चला जाएगा एवापोरेशन में। कैक्टस एक्सिया ड्यूबूर वर ईटीसी आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। नाउ हियर इज कोस्टल प्लांट, कोस्टल मतलब तटीय, जो तट पे पाए जाते हैं, समुद्री तट पे जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। द क्लाइमेट नियर द सी कोस्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और ह्यूमिड दोनों रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है। द प्लांट ग्रोइंग इन दिस एरिया स्टे ग्रीन, और ये जो पौधे रहते हैं इस एरिया में उगने वाले वे हमेशा ग्रीन रहते हैं। दे कैन ईजली टॉलरेट चेंज इन द क्लाइमेट, वे जो है ईजली चेंजेस जो होते हैं क्लाइमेट में उसको बियर कर लेते हैं। कोकोनट, रबर, प्लैंटेन, बम्बू, बनाना, टी आर सच प्लांट्स, यू कैन लुक इन दिस पिक्चर्स। दिस स्टूडेंट हियर इज मार्सी प्लांट, मार्सी मीन्स सच प्लांट, मार्सी मीन्स दलदल होता है, जो कीचड़ पे उगते हैं उनको हम मार्सी प्लांट्स कहते हैं। द मार्सी सॉइल इज स्मूथ, बोकस एंड मडी, सिंस देयर इज नो एयर फॉर द रूट्स टू ब्रीथ इन मड, क्यों यद्यपि इनके रूट्स को ब्रीथ करने के लिए एयर नहीं होता है। सम रूट्स केम आउट ऑफ द मड, कुछ रूट्स जो है मड से ऊपर आ जाते हैं। एंड ब्रीथ फॉर द रेस्ट ऑफ द रूट, बाकी जो रेस्ट थे उसे ब्रीथ करते हैं। डू यू नो हियर स्टूडेंट्स द रूट दैट हेल्प द मार्सी प्लांट टू ब्रीथ आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, और उनको हम ब्रीथिंग रूट कहते हैं जो बाहर आते हैं ना। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बाद हम लोग सेकेंड जो था एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानेंगे, मीन्स वाटर प्लांट्स जो वाटर में होते हैं। द प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, दे हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच हेल्प देम इन वाटर, उनके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो उनको एबल बनाता है कि वाटर में ग्रो कर सकें। एक्वेटिक प्लांट्स आर द थ्री टाइप्स, प्लांट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, एक्वेटिक प्लांट थ्री टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लांट फ्लोटिंग ऑन वाटर यानी, और दूसरा है प्लांट दैट स्टे ऑन वन प्लेस, एक तैरने वाला पौधा हो गया, और दूसरा जो एक स्थान पर स्थिर रहने वाला, और प्लांट दैट आर अंडर द वाटर दूसरा होता है कि जो प्लांट अंडर है। तो तीन, हियर इज थ्री टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पहले हम बात करेंगे। सम प्लांट्स दैट फ्लोट फ्रीली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, दे हैव वेरी लाइट, वे बहुत हल्के होते हैं, स्वेलन रूट्स, और उनके फूले हुए रूट्स होते हैं। देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर, उनकी पत्तियाँ भी फ्लोट करती हैं। देयर लीव्स आर स्मूथ सो दे डिड नॉट गेट वेट इन वाटर, जिससे कि वह पानी में भी गीली नहीं होती हैं। जैसे हाइसिंथ, पिस्टिया, जुसेडिया, उल्फियन, ट्रापा, इट इस आर फ्लोटिंग प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट मतलब कुछ ऐसे जो एक फ्लोट नहीं करते हैं, जो एक स्थान पर फिक्स रहते हैं। सम प्लांट आल डू फ्लोटिंग इन वाटर स्टे एट वन प्लेस, कुछ प्लांट यद्यपि फ्लोट करते हैं लेकिन कुछ जो है एक स्थान पर रहते हैं। बिकॉज द रूट ऑफ दिस प्लांट आर फिक्स्ड इन द वाटर बेड, क्योंकि इस ऐसे पौधों का जो रूट्स होता है वाटर बेड में एक जगह फिक्स होता है। दिस प्लांट हैव लॉन्ग लाइट हॉलो ट्रंक, इन ऐसे प्लांट्स के पास लंबा, हल्का और खोखला, हॉलो मीन्स खोखला ट्रंक होता है, विच आर फिल्ड विथ वाटर, जो पानी से भरा होता है। दे हैव ब्रॉड लीव्स, इनके पास चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, एग्जाम्पल के लिए लोटस, एंड इट्स स्मॉलर वेराइटी आर सच प्लांट्स। नाउ सम प्लांट ग्रो इन बेड ऑफ द वाटर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर बेड में ग्रो करते हैं, समुद्र के एकदम तल में ग्रो करते हैं, पानी के तल में ग्रो करते हैं। सो दे सम मर्ज इन वाटर, इसीलिए वह सब मर्ज कर देते हैं वाटर। दीज प्लांट हैव ग्रीन, ये प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक लीव्स होती हैं, इनकी पत्तियों की रिबन की तरफ, फीते की तरफ पत्तियाँ होती हैं। देयर लीव्स डू नॉट हैव पोर्स, इनके
पत्तियों में पोर्स नहीं होता है, छेद नहीं होते हैं, दे ऑब्जर्व गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, वे जो वाटर में गैसेज डिजॉल्व होते हैं उसको यूज करते हैं। हाइड्रेलिया हाइड्रेला टेप ग्रॉस इज वन सच प्लांट। स्पेशल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जानेंगे जो स्पेशल हैं एंड देयर जॉब इज स्पेशल टू, उनके जॉब्स भी स्पेशल है। सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मीन्स ऐसे पौधे जो इंसेक्ट को खाते हैं। दे कैच इंसेक्ट विद देयर लीव्स, और वे अपनी पत्तियों से इंसेक्ट को कैच करते हैं, डाइजेस्ट देम और उनको पचा देते हैं। पीचर प्लांट, सन ड्रिव, वीनस फ्लाई ट्रैप और इंसेक्टिवोरस प्लांट। सीरस प्लांट्स बिलोंग टू ग्रास फैमिली, कुछ अनाज के जो पौधे होते हैं वो घास की फैमिली से संबंध रखते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, दे प्रोवाइड अस फूड, पेपर, मेडिसिन, पैकिंग मटेरियल एटीसी। हियर डू यू नो, बम्बू प्लांट आर जाइंट ग्रास, बम्बू इज द टॉलेस्ट ग्रास कह सकते हैं। दे आर यूज फॉर मेकिंग मैनी थिंग्स लाइक बास्केट, मैट्स, चेयर, हाउसेस, पेपर एटीसी। सो बम्बू इज इम्पॉर्टेंट प्लांट फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, यू हैव एंजॉयड दिस लेसन इन एडाप्टेशन इन प्लांट्स। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे डिफरेंट प्लेस पे प्लांट्स जो है अडाप्टेड हैं पर्टिकुलर प्लेस के लिए, वे अडाप्टेड हैं। और सो रीड आउट वंस अगेन दिस चैप्टर एंड डू इट।